बालवीर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन चिंटू को उस किडनैपर के हाथों से नहीं बचा पाए। सबसे बड़ी बात तो यह है बालवीर कि हमारी शक्तियों का कोई भी असर नहीं हुआ उन पे। और बालवीर, उल्टा हमारे हाथों में यह अलग सा अजीब सा घाव का निशान बन गया है। बालवीर, हम उस काले साए को तो नहीं पकड़ पाए लेकिन उसके कपड़े का ये काला टुकड़ा हमारे हाथ लगा है। एक बात तो है बालवीर, ये कोई रहस्यमय शक्ति है ना, तो ये काल लोग जैसी है और ना ही वीर लोग जैसी। आखिर ये शक्ति है कौन? परियो, क्या आप में से किसी ने भी उसका चेहरा देखा है? नहीं। अब बारी है विवान की बहन की। आपको कोई बच्चा मिला? नहीं बालवीर, और तुम्हें? ये खुशी अकेले कहां जा रही है? खुशी, खुशी रुको, खुशी, खुशी रुको, खुशी। आजाओ, आजाओ। आप सब इसी तरफ से इन पर नजर रखिए, तब तक मैं दूसरी तरफ जाकर हमला करता हूँ। ठीक है। तुम जो भी हो, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी।
तुम लोगों की इस गलती की सजा बहुत जल्द दूंगी बालवीर। खुशी, खुशी, हमें सबसे पहले खुशी को उसके घर ले जाना होगा, उसकी माँ वरना चिंता करेगी। चलो। छी 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 भराजा, काल-लोक की गद्दी पाने के लिए आप इतना नीचे गिर जाएंगे कि बालवीर के उत्तराधिकारी को छुपते छुपाते हुए सबसे बच के मारेंगे। मैंने बड़े से बड़ा लालची देखा है, लेकिन इतना गिरा हुआ लालची पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, काल-लोक वाले कहते इसे मारूंगा तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे, जय जयकार करेंगे सब मेरे। आपके हाथ का खंजर कहां मजबूत हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तिम्नासा के काल यज्ञ में रुकावट डालने की? अगर तुमने इस काल यज्ञ को रोकने की कोशिश की ना, तो 12 बच्चों की बलि के बाद 13वीं बलि तुम्हारी होगी। अगर मैं रुकावट डाल रहा हूं तो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें 12 राशियों के 12 बच्चे चाहिए ना, फिर बार बार भारत नगर क्यों पहुंच जाती है? जबकि तुम्हें पता है कि वहां पे बालवीर और परियां पहले से मौजूद हैं। दुश्मन के नाक के नीचे से चोरी करने में ना अलग ही मजा है। उसकी झुनझुनाहट देख के दिल को चैन मिलता है। अच्छा, अगर आप पकड़ी गई तो बहरानी को कितनी झुंझुलाहट होगी, इसके बारे में सोचा है आपने? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, काल-लोक वाले बोलते हैं। काल यज्ञ के लिए 12 में से 8 बच्चे जमा हो चुके हैं। अगले 1 घंटे में 4 बच्चे उठा लूंगी, फिर चाहे कोई भी बीच में आ जाए, वो बालवीर या परिया या तुम दोनों खत्म कर दिए जाओगे। चली गई थी खुशी? शुक्रिया दिल, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को वापस लाने के लिए। नहीं करुणा जी, अभी हमारा शुक्रिया अदा मत कीजिए। इस शुक्रिया के हकदार हम तभी होंगे जब सभी बच्चे सुरक्षित होंगे और वापस अपने अपने घर पर होंगे। वो जो कोई भी है, अब ज्यादा देर तक मुझसे बच नहीं पाएगा। हाँ सर, कहाँ से गायब हुआ आपका बच्चा? अंधेरी वेस्ट, उनके दोस्तों के घर पता किया आपने? ठीक है। जी मैडम, पुलिस आपकी मदद करने के लिए है। बच्चे का नाम और उम्र बताइए। अरे इंस्पेक्टर गिर पड़े। अरे क्या कर रहे हो तुम और तुम्हारी पुलिस? पहले विवान गायब हो गया और अब मेरा बेटा चिंटू भी। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं सारा शहर सर पे उठा लूंगा। मिश्रा जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, मैं खुद भी परेशान हूँ, सुतली भी गायब है। हमको पता है गिरपड़े, तुम ये बताओ पुलिस को कुछ पता चला?
छेड़ा भाई, डीसीपी साहब ने स्पेशल टीम लगाई है, सारे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है, किडनैपर्स बच्चों को शहर के बाहर लेके जा ही नहीं सकते। अब बैठिए बैठिए, बच्चे जल्दी मिल जाएंगे। बैठूंगा नहीं, चलूंगा, मगर जल्दी से कुछ ना कुछ करो। हाँ, कानून पूरी ताकत लगा देगा। क्या सोच रहे हो बालवीर? देख रहे हैं आप सब, ये काली ऊर्जा है, यानी इसमें काल लोक की शक्ति का अंश। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बालवीर? काल लोक की शक्तियां पृथ्वी पर काम नहीं करती। इसका जवाब हमें इस कपड़े के टुकड़े से मिलेगा। देखा परी, ये किसी परीलोक के वासी का कपड़ा है, जो परीलोक मंत्र पढ़ने से गुलाबी रंग का हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो बालवीर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सब अभी तक सोच रहे थे कि ये शक्ति या तो वीरलोक की है या तो काल लोक की, लेकिन इस कपड़े के गुलाबी होने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने काल लोक और परीलोक दोनों की शक्तियों को मिलाकर किसी एक नई रहस्यमय शक्ति का निर्माण किया। काल लोक की कोई भी शक्ति मेरा हत्या नहीं रोक सकती। लेकिन उस रहस्यमय शक्ति को बनाया किसने होगा? इसका जवाब तो सिर्फ हमें माँ ही दे सकती है। वजह से हो रही है। क्या तुम सब इतने नकारे हो गए हो कि अब तक 12 बच्चे इकट्ठा नहीं कर पाए? देरी इस भैमार की वजह से हो रही है। बालवीर की नाक के नीचे से बच्चे चुराने का सुकून जो तुम्हें चाहिए था, देरी उसकी वजह से हो रही है। जितनी तुम्हारी जुबान चल रही है ना, अगर उतने तुम्हारे हाथ चलते। खामोश, मैं भी यही बोलने वाला था। लेकिन आपने बोल दिया तो फिर मुझे मुंह खोलने की क्या जरूरत है? सुन लो, तुमसे कल सुबह तक किसी भी हाल में तिमनासा को 12वां बच्चा चाहिए, ताकि ये काल यज्ञ पूरा करके भैरानी विवान को काबू में कर सके। पर अगर तुम सबके नकारेपन की वजह से ये काल यज्ञ अधूरा रहा तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी ये तिमनासा। बालपरी पर तुम्हारा शक सही था बालवीर। इसका मतलब मां काल लोक के वश में। फिर तो हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए और उन पे किए हुए जादू को तोड़ना चाहिए। नहीं ज्वाला परी, अगर ऐसा किया हमने तो काल लोक में तिमनासा और भैमार को शक हो सकता है, और जो बच्चे लापता हुए हैं उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। आप सही कह रहे हैं शौर्य। परियो, हमें सबसे पहले विवान और बाकी बच्चों को बचाना होगा। मैंने माँ को वचन दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, विवान की परम परीक्षा और वीर तिलक को रोकने नहीं दूंगा, चाहे फिर मुझे उनसे ही क्यों ना टकराना पड़े। बच्चा अकेला कहाँ जा रहा है?
रुको। 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 नहीं 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 प्लीज मुझे छोड़ दो कुछ मत करो। चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा के लिए आए, डरो मत। प्लीज मुझे किडनैप मत करो, मुझे मम्मी के पास जाना है। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। विवान, 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 प्लीज मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मैं तो सिर्फ गला फाड़ रहा हूँ, आपके तो कपड़े फटने वाले। विवान भाग गया। क्या? अरे क्या नहीं, कैसे पूछिए, उधर देखिए। अरे जहाँ से हवा अंदर आती है वहां से विवान हवा बन के निकल गया। अरे लानत है आप पे। ऐसा मैं नहीं, महारानी बोलेगी आपको। भैराजा, हम दोनों भी यहाँ से बाहर निकलते हैं ना, इससे पहले कि भैरानी और कालपरी का गुस्सा जाग जाए। भाग चलते हैं यहाँ से। हैमार ने कभी भागना नहीं सीखा है। अरे तो सीख जाइए ना, अभी सीखने की उम्र थोड़ी ना होती है। देखिए यहाँ कोई नहीं है, यही सही मौका है, भाग चलते यहाँ से। तौबा तौबा, यही सही मौका है वो काम पूरा करने का जो कालपरी ने रोक दिया था। उन्होंने इसे अपने वश में करने की कोशिश तो की, उसके बावजूद ये वहां से भाग निकला। आखिर है तो ये भी बालवीर ही। पर बालवीर, इसे कहां रखा था उन लोगों ने? इसका जवाब तो सिर्फ विवान ही दे सकता है। अपने में भी तुम लोग ही दिखाई दे रहे हो। कितना जिद्दी सपना है यार, खत्म ही नहीं हो रहा। विवान, होश में आओ, हम सच में तुम्हारे सामने हैं। विवान, कहाँ जा रहे हो तुम? गिर पड़े अंकल को सब बता नहीं, एक बुरी सी आंटी थी, उसने मुझे, चिंटू, सुतले और बाकी बच्चों को किडनैप किया था। अब हटो मेरे रास्ते से। ये क्या कर रहे हो बालवीर? विवान, अगर गिर पड़े जी को सब कुछ बता देता तो माँ और काल्लोक वालों को पता चल जाता। हाँ, वो लोग बाकी बच्चों के छुपने की जगह बदल सकते हैं और उनको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। हाँ, इसलिए हमें कोई ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे चिंटू, सुतली और बाकी सारे बच्चे सुरक्षित हो जाए और माँ और काल्लोक वालों को पता भी ना चले। आप सबको ये तरकीब समझ में आ गई? याद रखिएगा, ये तरकीब तभी काम करेगी जब मां को हम पर संदेह ना हो।
क्या हुआ माँ? अब क्या ढूंढ रही है? नहीं कुछ नहीं। आप लोग सब मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? माँ हमें उन किडनैपर्स के बारे में एक बहुत बड़ी खबर मिली है। अच्छा क्या खबर है? कभी सोचा ही नहीं था कि माँ को दिया वचन पूरा करने के लिए माँ से ही झूठ बोलना पड़ेगा। क्या हुआ बालवीर? बोलो ना क्या खबर है? बालपरी मैं आपको बताती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? मैंने आपको बताया था ना सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, अब वो किडनैपर बच नहीं पाएगा। दरअसल बालवीर और बाकी की परियां यहाँ का इलाका संभालेंगी और आप और मैं बाहर का। ठीक है चलिए आइए ना बालपरी। लेकिन आप आइए मैं आपको बताती हूँ। माफ कीजिएगा माँ, अच्छाई की रक्षा और वीर तिलक के लिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.